हेलो ब्रॉन्सकल्स, तो स्वागत है आपका दंगल के 10वें एपिसोड में। तो भाई, लोगन पॉल की टीम क्या धमाका करके आई है भाई। लास्ट 4 मैचेस से टीम गांधी लगातार डोमिनेट कर रही थी और लास्ट मैच में टीम लोगन पॉल ने भाई गांधी जी की टीम को उड़ा दिया और इनकी टीम का एक भी एलिमिनेट नहीं हुआ। तो भाई ये बहुत ही धमाकेदार मैच था लास्ट वाला। आज हम स्पेशली अपने सब्सक्राइबर के लिए, जो काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे टीम जे सैमी एंड केविन ओवंस की, उनके लिए ये स्पेशली वीडियो लेके आए। वो काफी टाइम से मुझे कमेंट कर रहे थे और अगर आपको भी आपकी फेवरेट टीम चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताए। तो अभी देखते हैं कि क्या टीम जे उसो जीतेगी या टीम लोगन पॉल जीतेगी। आप नीचे कमेंट्स में बताएं कौन सी टीम जीतेगी, आपके फेवरेट कौन है। तो भाई अब मैच तो शुरू हो चुका है। मेरे को जे उसो भी अच्छा लगता है, केविन भी अच्छा लगता है, सैमी भी अच्छा लगता है, लोगन पॉल भी बढ़िया है। लोगन पॉल इज अ मेगा स्टार नाउ डेज, ही इज अ मेगा स्टार, ही इज अ सोशल मीडिया सेंसेशन। तो भाई अभी कुछ नहीं कह सकते, इस गेम का कुछ नहीं पता क्या कर दे। कभी कभी कम ओवरऑल वाले ज्यादा ओवरऑल वालों का एलिमिनेट कर जाते। तो दिस गेम इज अनप्रेडिक्टेबल, दिस मैच इज अनप्रेडिक्टेबल। और भाई साहब केविन ओवंस के दिल में लोगन पॉल के लिए कोई भी इज्जत नहीं है। वैसे भी लोगन पॉल और केविन ओवंस का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है। आप सबको बताइए, लोगन पॉल यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है। मुझे बताया कि आप कौन से बंदे को जीतते देखना चाहते हैं, क्या आप लोगन पॉल को जीतते देखना चाहते हैं। लोगन पॉल ने अपना फिनिशर लगा दिया, फिनिशर ही लगाया था कि लोगन पॉल को मिला ही एक है। आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता है लोगन पॉल का फिनिशर ब्लॉक कर दिया गया। तो मैं बात कर रहा था यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप की, कि आप केविन ओवंस को जीतते देखना चाहते हो या लोगन पॉल को जीतते देखना चाहते हो। लोगन पॉल भाई जब भी मैच करते हैं कोई ना कोई मूवमेंट क्रिएट करके जाते हैं, ये तो डेफिनेटली बात है। बट है ये हील स्टार, कभी कभी हील हो जाते हैं, कभी हीरो हो जाते हैं, इनका पता नहीं लगता। और इधर जे उसो, भाई जे उसो की क्या नई लुक आई है। हीट वाले हमारे जे उसो, द मेन इवेंट जे उसो, भाई आपने रिक्वेस्ट करी थी, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आपने रिक्वेस्ट करी थी, आपके लिए हम स्पेशल ये मैच लेके आए। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर करें। और अगर आप भी अपने फेवरेट टीम चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करें, टीम चाहते हैं, प्लेयर चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, कैप्टन चाहते हैं, मुझे नीचे बताएं कि आपको वो चाहिए, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेके आएगा। और इधर रेजर रेमोन आ चुके हैं, जो पिछले मैच के सुपरस्टार है, स्टार है भाई। इन्होंने कटप्पा को एक ही फिनिशर में एलिमिनेट कर दिया था। भाई कटप्पा की 100 ओवरऑल है, कोई मजाक नहीं है। 100 ओवरऑल वाले बंदे को एक ही फिनिशर में नॉकआउट कर देना, एलिमिनेट कर देना, और भाई इन्होंने कर दिया कटप्पा को। भाई मैं इतना शॉक था ना, आपने नहीं वो वीडियो देखी तो आप देख सकते हैं जाके, मैं लिंक दे दूंगा। मैंने ऑलरेडी आई गेस आई बटन पे लिंक दे दिया होगा, आप देख लेना जरूर, या फिर चैनल खोल के कल वाली वीडियो देख लेना। भाई क्या खतरनाक वीडियो थी भाई, इतना मज़ा आया ना, वो इतना खतरनाक मैच था। अगर आज का मैच देखते हैं टीम जे जीतती है या टीम लोगन जीतती है, इट्स अनप्रिडिक्टेबल, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, कैसे हो जाए। अभी तक फिनिशर रेजर रमोन ने भी ट्राई करी, जो कि जे उसो पे लगा नहीं है। जे उसो भाई तगड़े हैं, अभी जे उसो पे किसी का भी अभी तक फिनिशर नहीं लगा, और जंगल बॉय आके अपना फिनिशर लगा गए जे उसो पे। मैं अभी बोल रहा था कि जे उसो पे कोई फिनिशर नहीं लगा, दो फिनिशर लगाने की रेजर रमोन और लोगन पॉल ने पूरी कोशिश करी थी, पर जे उसो पे कोई फिनिशर लगा नहीं। अभी तक जे उसो बुरी तरह पिट रहे हैं, बहुत ही बुरी तरह पिट रहे हैं, कुछ मार नहीं रहे, बस पिटी जा रहे हैं। और जे उसे टैग देना चाहते हैं, पर जे उसे जा किधर रहे हैं टैग देने के लिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। उधर जंगल बॉय पूरा ऑडियंस के साथ एंजॉय कर रहे हैं। जे उसे का फिनिशर भी वैसे टर्म बकल से है, तो आई डोंट नो वो कहाँ से डालेंगे, कैसे डालेंगे। अगर इस या उस वाले टर्म बकल से डालेंगे तो स्कॉट और लोगन पॉल पूरा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, पर देखो अभी क्या होता है। केविन ओवंस खड़े हैं, सैमी जेन नीचे थे, नीचे क्यों चले गए आई रियली डोंट नो। और जंगल बॉय का फिनिशर छीन लिया जे उसो ने। भाई जे उसो ने तीन फिनिशर छीन लिए अभी तक, तीन फिनिशर, सोच सकते हो आप। अभी मेरे हिसाब से केविन ओवंस को देने लगे टैग, तो केविन ओवंस मैच के अंदर आ चुके, एलिमिनेशन एक भी नहीं हुई, जे उसो ने एक भी फिनिशर नहीं लगाया और केविन ओवंस ने आते ही जंगल बॉय को एलिमिनेट कर दिया। भाई साहब जंगल बॉय एक ही फिनिशर में और दूसरा फिनिशर सीधा लोगन पॉल को। भाई साहब मुझे नहीं लगा था कि अपने केओ इतने ही ज्यादा केओ करने के लिए आए हैं, केओ ने केओ किया। अभी लोगन पॉल वैसे एलिमिनेट नहीं हुए क्योंकि पहला ही फिनिशर लगा था, और जंगल बॉय को भी पहला ही लगा था, पर जंगल बॉय पता नहीं क्यों निकल दिए इतनी जल्दी, आई रियली डोंट नो।
मेरे ख्याल से उनका पेट खराब है आज, तो उनको जल्दी जाना था। तो उन्होंने बोला कि भाई केविन तू मुझे फिनिशर लगा, मैं जल्दी यहाँ से निकलूँ। तो केविन भाई तो अभी, केविन भाई के पास सिग्नेचर है और पर फिनिशर नहीं है। और लोगन पॉल को मुझे लगता है जैसे केविन ओवेंस परफॉर्मेंस दे रहे, लोगन पॉल को भी एक ही फिनिशर लगेगा और भाई साहब निकल देंगे यहाँ से। वैसे तो मैं चाहूँगा यही कि जिसके पास फिनिशर है अपने उसको टैग दे दिया जाए। और केविन ओवेंस मुझे लग रहा है मेरी सुन रहे हैं, उन्होंने सैमी जेन को टैग दे दिया। सैमी जेन के पास दो फिनिशर है, क्या सैमी जेन हलुआ किक लगाएंगे? मेरी बातें सुन रहे यार, मुझे लग रहा है ये मेरी बातें सुन रहे हैं। और लोगन पॉल भाई साहब दो फिनिशर खा के भी एलिमिनेट नहीं हुए, दैट मीन्स ये इनकी इनकी टीम के तगड़े प्लेयर हैं। जंगल बॉय पता नहीं एक में कैसे निकल गए, कल कटप्पा भी ऐसे निकल गए थे, पर कटप्पा का एलिमिनेट होना वॉज वेरी शॉकिंग भाई। वो उनकी 100 ओवरऑल पावर है, आप सोचो कि 100 ओवरऑल वाला बंदा एक ही फिनिशर में निकल जाए जो कि अभी टैग इन हुआ ही था, तो कैसा आपको फील? और सैमी जेन खुद के ही फिनिशर से एलिमिनेट हो गए, जो लोगन पॉल ने अपना फिनिशर मूव टैप लगा के अपना सैमी जेन को निकाल दिया। भाई मैं शॉक हो गया, मैं क्या बोलूं, मैं समझ नहीं आ रहा। मुझे लगा था कि सैमी जेन थोड़ा लंबा खेलेंगे, लंबा टिकेंगे। जे उत्सव के पास तीन फिनिशर, एक सिग्नेचर है और अपना केविन ओवेंस के पास एक फिनिशर है, और वो फिनिशर डेफिनेटली लोगन पॉल को लगना चाहिए। अगर वो अब लोगन पॉल को लग जाएगा तो लोगन पॉल डेफिनेटली एलिमिनेट होने वाले हैं, क्योंकि लोगन पॉल को दो फिनिशर एक सिग्नेचर ऑलरेडी लग चुका है। तो अभी एक ही फिनिशर की ज़रूरत है लोगन पॉल पे, और पता नहीं जे उसे अपना फिनिशर लगाएंगे या नहीं। अभी तक तो लगाया नहीं है, लगाना तो चाहिए, पर जो बुरा हुआ है वो हुआ है हमारे सैमी जेन के साथ। उनका मूव उन्हीं को लगा के लोगन पॉल ने कर दिया भाई साहब एलिमिनेट। ये मैच 5-star भी होने वाला है, तो ये मैच ऑलरेडी गोट बन जाएगा। और रेजर रेमोन टैग मांग रहे और लोगन पॉल ने टैग दे दिया, इधर केविन ओवेंस आ गए। तो भाई दोनों ही तगड़े प्लेयर हैं, रेजर रेमोन को आई गेस एक ऑलरेडी लग गई है, शायद स्टनर लग गया, नहीं अभी तक रेजर रेमोन को नहीं कोई फिनिशर लगा, वो लोगन पॉल को स्टनर लगा था। तो अभी केविन ओवेंस के पास चांस है, जे उसो के पास चांस है कि फिनिशर लगा के जल्दी से रेजर रेमोन को निकाल दे, क्योंकि लोगन पॉल तो ऑलरेडी एलिमिनेटेड है। उनकी हेल्थ भी देख लो, उनका चेस्ट रेड है, उनका हेड रेड है, भाई वो तो ऑलरेडी बहुत बुरी तरह पिट चुके हैं। जे उसो अपना ना तो सिग्नेचर लगा रहे ना फिनिशर लगा रहे, मुझे नहीं पता जे उसो करना क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। रेजर रेमोन भाई साहब मैं कल वाले मैच में बोल गया, और जे उसो सिंपल मूव से एलिमिनेट भाई साहब, और रेजर रेमोन एक ही स्टनर से एलिमिनेट। भाई ये क्या हो रहा है आज के मैच में? उस टीम का कैप्टन जा चुका है, इस टीम के दोनों प्लेयर जा चुके हैं भाई साहब। अभी 1-on-1 ये मैच है, और ये आप यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का ही मैच समझ लो। अगर हमारे केविन ओवेंस के पास फिनिशर आ चुका है, और केविन ओवेंस ने स्टनर लगा के ये मैच जितवा दिया है टीम जे उसो को। भाई क्या तगड़ा मैच था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप कौन सी टीम, कौन सा टीम कैप्टन अगली वीडियो में देखना चाहते हो। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट। A little bit of column A and column B, Saxton.